ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग अपना खुद का जिम सेटअप करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी जिम का बिजनेस रन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज आप जानते होंगे कि आज के टाइम में फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है और हर गली नुक्कड़ के अंदर एक ना एक जिम खुला हुआ है और प्राइस को लेकर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। देखिए, जब कोई नया जिम खुलता है तो वो ये देखता है कि मार्केट के अंदर कौन क्या प्राइस में पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे साल का अगर सब लोग 6,000 रुपए ले रहे हैं तो वो 5.5 में करता है, फिर सामने वाला क्या करता है, ये 5.5 में दे रहा है तो मैं 5 में करता हूं, उसके बाद में 4.5। सो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, प्राइस में कंपटीशन करके कुछ भी फायदा नहीं हो पाएगा, सस्टेनेबिलिटी नहीं आ पाएगी। मार्केट में अगर सस्टेन करना है तो आपको कस्टमर्स को कुछ अलग देना होगा, तभी कस्टमर्स आपके यहां पे आएंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं जो इंडिया के अंदर बहुत ही कम जगह पे चल रहा है लेकिन बाहर के देशों में बहुत ज्यादा चल रहा है। सो दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट को आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जैक्टली आपको क्या करना होगा, पूरा डिटेल में आज के वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बिजनेस आइडियाज, स्टार्टअप आइडियाज और साथ ही साथ में फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाकर अपलोड करते रहता हूं। तो अगर आपको इस तरीके का कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, हमारे देश के अंदर रिटेल फिटनेस सर्विस इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज है वो है लगभग $2.6 बिलियन का। और मैं आपको बता दूं, लगभग 6 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एक्टिव यूजर हैं, इन्हीं से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी गली नुक्कड़ में जाके जिम वाले को पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे। अब दोस्तों, ये लोग अच्छा पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे, क्योंकि जिम का जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर आप अपने कस्टमर्स को सर्विस देते हो और सर्विस बिजनेस में क्या होता है, जब तक कस्टमर रिपीट नहीं होगा तब तक आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। हमेशा आप नए कस्टमर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको नई नई स्कीम देनी पड़ती है, नए नए ऑफर्स देने पड़ते हैं, जिसमें भी खर्चा होता है। सो अल्टीमेटली सारा खर्चा निकालने के बाद में आपको उतना प्रॉफिट नहीं बच पाता जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जरा सोचिए, आपने एक जिम शुरू किया जिसके अंदर 200 लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया और हर बार वो लोग रिन्यू करवा रहे अपने सब्सक्रिप्शन को, तो आपका जो पुराना कस्टमर है उसको फिर से अट्रैक्ट करने के लिए आपको नया ऑफर या डिस्काउंट वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब रिन्यू करेगा तो जो भी करंट प्राइस होगी उसमें वो रिन्यू करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके जो करंट कस्टमर्स है वो आपको छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे और हर बार आपको नए कस्टमर्स को लाना पड़ेगा तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। अब ये जो कस्टमर्स है ये रिन्यू क्यों नहीं कराते, इसका भी एक ट्रेंड है। देखिए, इंडिया के अंदर जितने भी लोग जिम ज्वाइन करते हैं उनमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग के 3 महीने में जिम छोड़ देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको जिम में जाके मजा नहीं आता है, कोई मोटिवेशन मिलता नहीं है। और आप खुद जानते होंगे, अगर कोई नया इंसान जिम में जाएगा तो 3 महीने में तो पता भी नहीं चलेगा उसमें कोई रिजल्ट आया भी है कि नहीं आया, इसीलिए लोग डीमोटिवेट होकर जिम को छोड़ देते हैं। अब दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब कोई इंसान बोर हो जाता है तो वो एग्जैक्टली क्या करता है। देखिए, बोर होने के बाद में वो या तो बाहर घूमने जाएगा या फिर किसी ऐसी जगह पे जाएगा जहां पे उसका एंजॉयमेंट हो सके। और मैं आपको एक और डेटा बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये जो पब है, क्लब्स है, लॉन्च है, बार है, इन सब की जो इंडस्ट्री है वो कितनी ज्यादा तेजी से ग्रो करती जा रही है। आप देख सकते हैं 2014 के अंदर ये इंडस्ट्री कितनी थी और 2020 तक कहां पहुंच गई है, और आने वाले टाइम में भी और आगे पहुंचने वाली है। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इंडिया की ये जो रिटेल फिटनेस सर्विस की इंडस्ट्री है ये $2.6 बिलियन की है, लेकिन ये वाली इंडस्ट्री देखिए कितने ज्यादा की है। अब दोस्तों, दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि एक जगह पे इंसान को अपने पैसे भी देने हैं और साथ ही साथ में मेहनत भी करनी है, उसके बाद में जाके उसको रिजल्ट मिलेगा। वहीं दूसरी जगह ऐसी है कि जहां पे वो पैसे तो दे रहा है लेकिन तुरंत उसको एंजॉयमेंट मिल रहा है, जिसमें उसको मजा आ रहा है। अब दोस्तों, आपको प्रॉब्लम भी पता चल गया कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये जो जिम वाले हैं वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे, और साथ ही साथ में आपको थोड़ा बहुत सॉल्यूशन के बारे में भी आइडिया आ गया होगा कि आप क्या कर सकते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और साथ ही साथ में जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनको रिन्यूअल के लिए मोटिवेट करने के लिए। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, हमको ये सारी चीजें समझ में आ गई लेकिन अभी हमको करना क्या होगा। सो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जो कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा था उसका नाम है नाइट क्लब जिम कॉन्सेप्ट। और मैं आपको बता दूं, ये इंडिया के अंदर बहुत ही कम जगह पे चल रहा है या फिर आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा, लेकिन बाहर के देशों में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहा है। सो अगर आप चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को इंडिया के अंदर भी लेकर आ सकते हैं और जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप नया जिम सेटअप करना चाहते हैं तो आप नाइट क्लब जिम सेटअप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एग्जिस्टिंग जिम है तो उसको आप नाइट क्लब जिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के कंफ्यूजन होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, तो चलिए उनको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश कर देता हूं। सबसे पहला कंफ्यूजन तो उन लोगों के मन में होगा जिनका ऑलरेडी जिम का सेटअप है और वो लोग सोच रहे होंगे, अगर इस प्रकार का सेटअप मुझे करना है तो क्या मुझे एक्स्ट्रा जगह लेनी पड़ेगी। आंसर इज नो, एक्स्ट्रा जगह लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जगह को इस तरीके से सेटअप करना है कि वहां पर दोनों चीजें सेटअप हो जाए। जैसे मान लीजिए, अगर आपके पास एक बड़ी सी
जगह है, तो साइड साइड में आप जिम के सारे इक्विपमेंट रखेंगे और बीच की जो जगह है उसको आप यूज करेंगे एज ए नाइट क्लब सेटअप करने के लिए। अब दूसरा डाउट ये आ रहा होगा कि नाइट क्लब सेटअप करने के लिए तो हमको गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस लेना पड़ता है, तो क्या हमको इजीली लाइसेंस मिल जाएगा? सो दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आपका ये जो नाइट क्लब जिम है ये एक्चुअल में नाइट क्लब नहीं है, तो इसके अंदर आप कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक सर्व नहीं करेंगे। इसके अंदर आप एनर्जी ड्रिंक और साथ ही साथ में फिटनेस इंडस्ट्री में जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है वही चीजें आप वहां पे सर्व करने वाले हैं, कोई भी अल्कोहलिक नहीं करने वाले। तो आपको उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जिम जिस तरीके का होता है उसी प्रकार का जिम आप वहां पे सेटअप करने वाले हैं। तीसरा डाउट आप लोगों के मन में ये हो सकता है कि अगर हमने नाइट क्लब जिम सेटअप किया तो क्या सच में लोग हमारे यहाँ पे आएंगे? तो आंसर इज यस, डेफिनेटली आएंगे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नॉर्मली जिम में क्या होता है, जब कोई वर्कआउट करने के लिए जाता है तो वो वहाँ पे जाता है, अपने ट्रेनर से बात करता है, जो भी एक्सरसाइज होती है उनको कंप्लीट करता है, ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो नहीं पाता। और आपने देखा होगा जिम के अंदर मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दुनिया के अंदर बिजी रहते हैं, क्योंकि वो कान में या तो ईयरफोन लगाते हैं, ईयरबड लगाते हैं और गाना सुनते हैं, अपना वर्कआउट करते रहते हैं। तो दोस्तों जो लोग नए होते हैं उनके लिए जिम के अंदर कोई भी चीज एक्साइटिंग होती नहीं है, इसकी वजह से उनको मोटिवेशन ही नहीं होता रोज रोज जिम जाने का। वहीं अगर मैं बात करूँ क्लब्स की या फिर पब की, तो वहां पे क्या होता है, एक तो वहां पे जाके डांस कर सकते हैं, थोड़ा चिल मार सकते हैं, लाइक माइंडेड पीपल लोगों से बात कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से लोग वहां पे जाना पसंद करते हैं। अब मान लीजिए इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने मिक्स कर दिया तो जो लोग भी आपके जिम में आएंगे उनको एक तो नाइट क्लब का एम्बियंस मिलेगा और साथ ही साथ में उनकी फिटनेस भी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली लोग आपके यहाँ पे आना पसंद करेंगे। चौथा डाउट आप लोगों के मन में यह आ सकता है कि अगर हमने ऐसा सेटअप किया तो मैक्सिमम लोग तो बीच में डांस ही करना पसंद करेंगे, तो जिम इक्विपमेंट की जरूरत ही क्या पड़ेगी? सो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपका ये जो जिम है वो नाइट क्लब जिम है लेकिन एक्चुअल में नाइट क्लब नहीं है। वहां पे जो नाइट क्लब में डांस होता है वैसा डांस नहीं होने वाला, खाली एम्बियंस आपका जो होगा वो नाइट क्लब जैसा होने वाला है और बीच के अंदर जो स्पेस है वहां पे वो जुम्बा डांस कर सकते हैं और साथ ही साथ में जो फिटनेस से रिलेटेड दूसरी एक्टिविटीज होती है वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके जो मेंबर्स होंगे उनकी नीड के हिसाब से पर्सनलाइज बेसिस पे आप उनको ट्रेनिंग शेड्यूल बनाकर दे सकते हैं और उस शेड्यूल के अंदर आप इक्विपमेंट का इस्तेमाल भी करने के लिए कह सकते हैं और साथ ही साथ में जो दूसरी एक्टिविटीज है उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब क्या चीजें कितनी मात्रा में होगी ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उस चीज में आप एक्सपर्ट हैं, आप अपने हिसाब से अपने क्लाइंट के लिए जबरदस्त शेड्यूल बनाकर दे सकते हैं और कोशिश कीजिए कि वो शेड्यूल के हिसाब से चले, क्योंकि अगर वो उसके हिसाब से चलेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा और अगर उसको रिजल्ट मिलेगा तो बार बार आपके यहाँ पे आना पसंद करेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगर कोई भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाहता है तो उसे किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए सबसे पहले तो एक नॉर्मल जिम ओपन करने के लिए आपको जो जो इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है वो सारे इक्विपमेंट आपको इसमें भी खरीदने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ और भी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको अच्छा साउंड सिस्टम चाहिए होगा, लाइटिंग सेटअप करना होगा, साथ ही साथ में आपके यहाँ पे थोड़ा सा लाउड म्यूजिक बजेगा, इसलिए आपको आपका जो जिम होगा उसको थोड़ा सा साउंड प्रूफ बनाना होगा ताकि आवाज बाहर ना जा सके। इसके अलावा दोस्तों आपको एक काउंटर भी सेटअप करना होगा जहां पे लोग आके खड़े हो सके, कोई भी ड्रिंक अगर उनको ऑर्डर करनी है तो वो ले सके, तो इस प्रकार का सेटअप आपको करना होगा। इसके अलावा आप और क्या क्या चीजें अपने जिम के अंदर कर सकते हैं उससे रिलेटेड अगर आप थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज मिल जाएंगे। अब दोस्तों इस प्रकार के सेटअप में कितना खर्चा आएगा, चलिए उसका एक रफ कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर आप नया जिम सेटअप करना चाह रहे हैं तो आपका कम से कम 30 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। अब हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इतना पैसा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप नॉर्मल जिम भी ओपन करते हैं तो उसमें भी कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो ही जाता है और अगर आप कुछ नया कॉन्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर आपके जो इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके बाद में जितने टाइम तक लोग आपके यहाँ पे आते रहेंगे उतना ही ज्यादा पैसा आप कमाते रहेंगे और साथ ही साथ में जो सबसे ज्यादा खर्चा होने वाला है वो जिम के इक्विपमेंट के लिए होने वाला है। वैसे दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको कौन से इक्विपमेंट खरीदने चाहिए और कितने बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ में कौन सी मशीन कितने की आती है, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीजें कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि मैं पूरे जिम सेटअप के ऊपर एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड कर दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड जरूर कर दूंगा। अब दोस्तों आखिर में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप चाहें तो इस सजेशन को अपने जिम के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अगर आपको ये सजेशन बेकार लगे तो इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या देखा है, मोस्टली जिम में क्या होता है कम से कम 3-4 ट्रेनर तो होते ही होते हैं, लेकिन ये जो ट्रेनर होते हैं ये हमेशा ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी कस्टमर है वो इनसे पीटी लेगा तो ही ये उनको अच्छी सर्विस देंगे, अदरवाइज ये उन पे ध्यान भी नहीं देंगे। अगर कोई सामने से आके पूछता है कि सर मुझे ये करना है तो उसको हेल्प कर देंगे, लेकिन वो सामने से जाके किसी को हेल्प नहीं करेंगे, अगर कोई गलत भी मार रहा होगा तो उसको नहीं बताएंगे। अब यहां पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मैं हर जिम की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैंने 10 जिम को ज्वाइन किया होगा तो उसमें से कम 8 जिम में यही सिचुएशन होती है, 2 जिम बहुत अच्छे होते हैं। अब दोस्तों अगर आप नया जिम सेटअप करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपका जिम है तो आपको एक चीज रियलाइज करनी होगी, जो भी कस्टमर आपके यहाँ पे आ रहे हैं उनका कोई ना कोई मकसद है तभी वो आपके यहाँ पे आ रहे हैं।
देखिए मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं, या तो वो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं मतलब बॉडी बनाना चाहते हैं, या फिर वो अपना वजन कम करना चाहते हैं। मोस्टली ये दो चीज के लिए लोग आपके यहाँ पे आते हैं। मतलब दोस्तों जो भी आपके यहाँ पे आ रहा है वो कोई ना कोई गोल लेकर आ रहा है। अगर आपका जिम उस गोल को कंप्लीट करवाने में उसकी हेल्प कर देगा तो वो डेफिनेटली आपके यहाँ पे ही रहना पसंद करेगा, और अगर उसको अपना गोल कंप्लीट होता नजर नहीं आएगा तो वो कुछ ना कुछ बहाने ढूंढेगा आपके जिम को छोड़कर किसी और जिम में जाने का, क्योंकि उसको लगेगा यहाँ तो मेरे ऊपर कोई ध्यान दे नहीं रहा, अगर मैं दूसरे जिम में जाऊंगा तो शायद वहां पर ध्यान देगा और मेरा जो गोल है वो अल्टीमेटली अचीव हो जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए अगर मैं आपकी जगह होता और मेरा एक जिम का सेटअप होता तो उसको मैं किस तरीके से रन करता वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे यहाँ पे जो लोग भी काम कर रहे होते हैं मतलब जो भी ट्रेनर्स होते हैं उनको मैं सबसे पहले काम पे लगाता और उनको मैं फ्री बैठने नहीं देता, अपने जिम के अंदर एक नई फैसिलिटी की शुरुआत करता जिसको मैं बोलता GT मतलब ग्रुप ट्रेनिंग। अब जब भी कोई नया बंदा मेरे यहाँ पे आता तो मैं उसे बोलता कि तुझे PT लेने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जो ग्रुप ट्रेनिंग होती है उसको अटेंड कर, और तुझे अगर एक बार रिजल्ट मिलने लग जाएगा तो उसके बाद में तू PT लेना तो डेफिनेटली तुझे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अगर तू 10 लोगों के साथ सीख रहा है उसमें तुझे रिजल्ट मिलने लग गया तो जब तू पर्सनल ट्रेनिंग लेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों जो न्यू मेंबर्स होते हैं उनको मैं कम से कम 2 महीना 3 महीना या फिर 6 महीना फ्री GT देता जिसके लिए 1 भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता। अब इससे कस्टमर के दिमाग में क्या जाता है कि मार्केट में तो सेम ही प्राइस चल रहा है सब जिम के अंदर, लेकिन इस जिम के अंदर मुझे 2 महीना 3 महीना या 6 महीने तक GT मिल रहा है। अब दोस्तों एज अ जिम ओनर मुझे आप बताइए कि इस प्रकार की फैसिलिटी अगर आप अपने कस्टमर्स को देंगे तो इसमें आपका और कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाने वाला है? कुछ नहीं जाएगा। जो आपके ट्रेनर्स हैं उनको आप सैलरी तो ऑलरेडी दे ही रहे हैं, उनको आपको थोड़ा सा ज्यादा काम कराने के लिए पुश करना होगा और इससे आप देखेंगे डेफिनेटली आपको ज्यादा PT मिलेंगे, ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। अब ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक आदमी आपके यहाँ पे ज्वाइन करता है, वो नया मेंबर बनता है, उसको आपने बोला कि हम 3 महीने के लिए आपको GT देंगे। अब 3 महीने तक उसके ऊपर पूरा फोकस किया जाता है, प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है, तो 3 महीने के अंदर डेफिनेटली उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और एक बार उसको लगेगा कि मेरा गोल जो है वो अचीव होने लग रहा है तो डेफिनेटली अगर उसको और ज्यादा रिजल्ट चाहिए होगा तो वो PT लेगा, या फिर आपका जिम छोड़ के तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ये पता होगा कि ये जो फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इसी जिम में मिल रही है, अगर मैं दूसरे जिम में जाऊंगा तो कोई मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं देगा और मेरा जो गोल है जो मैं बॉडी बनाना चाहता हूँ या वजन कम करना चाहता हूँ इसके ऊपर कोई भी सोचेगा भी नहीं, ये लोग एटलीस्ट 2-3 महीने से मेरे ऊपर मेहनत तो कर रहे हैं। सो दोस्तों जो नए मेंबर्स होते हैं उनके लिए मैं GT फ्री ऑफ कॉस्ट में रखता, और एक बार जब GT खत्म हो जाए और कोई फिर से GT लेना चाहता है तो उसके लिए एक सर्टन अमाउंट में चार्ज करता। जैसे मान लीजिए PT के लिए पर मंथ कम से कम 3,500 रुपये से लेकर 5,000-6,000 रुपये तक चार्ज किया जाता है, तो GT के लिए मैं 500 या फिर 1,000 रुपीज ही चार्ज करता। अब दोस्तों आप खुद सोचिए PT के लिए 5,000 रुपये देने वाले कितने लोग होते हैं, और साथ ही साथ में अगर PT जैसी लेकिन उससे थोड़ी कम फैसिलिटी 500 रुपये में मिलेगी तो क्या लोग लेना पसंद नहीं करेंगे? सो दोस्तों अगर मेरा जिम होता तो मैं इस प्रकार के कुछ कुछ अलग अलग आइडियाज को इंप्लीमेंट करता। तो अगर आप चाहें तो अपने जिम के अंदर भी इसी प्रकार के यूनिक यूनिक आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमेशा ये चीज का ध्यान रखिए जो भी कस्टमर आपके यहाँ पे आ रहा है उसको क्या चाहिए, उसकी नीड अगर कंप्लीट हो जाएगी तो आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करते हैं, क्योंकि एक बार जब ये वीडियो उस कम्युनिटी में जाएगा तो उसके बाद में जो जिम ओनर्स हैं उनके पास भी पहुंचेगा और हो सकता है उनको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।